दोस्तों, आप भले ही अच्छी चीजों की कितनी भी तारीफ कर लें, लेकिन असल मायनों में प्रचार बुरी बातों को ही मिलता है। अगर ये सच न होता तो गांधी जयंती पर हर साल महात्मा गांधी से ज्यादा नाथूराम गोडसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड न करता, और अगर ये सच न होता तो नुपुर शर्मा की बातों को भुलाया भी जा सकता था। लेकिन हकीकत यही है, बुरी बातें जहां बहुत तेजी से फैलती हैं, वहीं अच्छी बातों को लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यही वजह है कि आज देश में कन्हैया कुमार को मारने वालों की चर्चा ज्यादा हो रही है। खैर, आज हम यह बात एक ऐसी ही एक्ट्रेस की करने जा रहे हैं जो सालों से अपनी फील्ड में मेहनत कर रही है, लेकिन उसकी चर्चा एक ऐसे बयान की वजह से हो रही है जिसे उसने राजस्थान के कन्हैया कुमार पर दिया था, जो फिलहाल देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। उस एक्ट्रेस का नाम है निहारिका तिवारी। निहारिका तिवारी MTV पर आने वाले टेलीविजन शो MTV रोडीज रियल हीरो की एक प्रतिभागी रही हैं, जिनका जन्म 21 अगस्त 1997 को छत्तीसगढ़ के गीदम में हुआ था। उनके पिता का नाम आभास तिवारी और माता का नाम श्यामा तिवारी है। गीदम के बारे में आपको बता दें कि इलाका छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाकों में से एक है। निहारिका ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दंतेवाड़ा स्थित केंद्रीय विद्यालय से पूरी की। उनकी जब 12वीं तक की पढ़ाई पूरी हो गई तो उन्होंने BBA करने का मन बनाया। इसके बाद वे दंतेवाड़ा से ग्रेजुएशन करने के लिए भिलाई पहुंच गई। लेकिन निहारिका के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। BBA उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। फिर उन्होंने वही काम किया जो उनका दिल कह रहा था, और दिल की सुनकर उन्होंने मास कम्युनिकेशन करने की ठान ली। इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर की एमिटी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन अभी भी निहारिका को वो मुकाम नहीं मिला था जिसे वे पाना चाहती थी। पढ़ाई के दौरान ही निहारिका सपनों के शहर मुंबई पहुंची, जहां पर उन्होंने वीडियो एडिटर के रूप में बालाजी टेले फिल्म्स के लिए भी काम किया है। इस दौरान भी वे अपनी अधूरी हसरतों को दिल में दबाए रही। दरअसल निहारिका बचपन से ही एक रोडीज बनना चाहती थी। उनके पिता और दादा विजय प्रसाद तिवारी ने इसका विरोध किया, लेकिन तब भी उन्होंने MTV रोडीज के लिए इंदौर पहुंचकर ऑडिशन दिया। निहारिका ने 13 फरवरी 2019 को इंदौर में ऑडिशन दिया, जिसमें सेंट्रल इंडिया के 7000 कैंडिडेट पहुंचे थे। ग्रुप डिस्कशन के बाद पर्सनल इंटरव्यू राउंड में केवल 16 लोगों का सिलेक्शन हुआ। अंत तक इसमें केवल 5 लोग ही बचे, जिसमें से एक निहारिका थी। इस राउंड को रणविजय और नेहा धूपिया ने लिया था। यहाँ ये बात भी बेहद खास है कि रोडीज में पहुंचने के लिए निहारिका ने 1 महीने की ट्रेनिंग भी ली थी, और वे अपने फिटनेस के लिए भी जमकर पसीना बहाती हैं। यही वजह है कि आपको उनकी बॉडी में एब्स साफ साफ नजर आ जाते हैं, और किसी भी लड़की के लिए ये काम सबसे ज्यादा कठिन कामों में से एक है। वहीं उन्होंने अपने होठों की सर्जरी भी कराई है, जिसे देखकर उनके फैंस ने उन्हें जमकर ट्रोल भी किया था। फिलहाल वे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं और कन्हैया कुमार पर दिए अपने बयान की वजह से सुर्खियों में हैं। वो खबर भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो आपको निहारिका तिवारी के बारे में दी गई ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।